बेलीपार पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल टावर से चोरी की गई हाई क्वालिटी की 48 बैटरियां और 10 बैटरी के प्लास्टिक कवर, 2 303 बोर का एक और 12 बोर का एक तमंचा, 5 कारतूस के साथ चोरी करने में उपकरण तथा चोरी की 44 गाड़ी भी बरामद की है। पकड़े गए अभियुक्तों की शिनाख्त संत कबीर नगर जिले के थाना घनकटा निगुई निवासी अक्षय नायक, प्रदीप कुमार, मोनू नायक, विकेश कुमार के रूप में की गई है, जबकि 2 बदमाश शत्रुघ्न नायक और अली हुसैन फरार हैं। पुलिस लाइन में हुए इस घटना के संदर्भ में खुलासा करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया, मेरी नहीं सर, मेरी एक क्या बात करते हैं यहाँ साला, गाड़ी एक तो गाड़ी खरीद लेकिन गांव फट जाता दम लेके रोजर खड़ी। मार व्यवस्था छोटी तो है, छोटी। हेलो, चलिए उपाध्याय जी, तमंचा दो तमंचा 303 और एक तो। ये बैटरी चोरों का गिरोह है जो टावर्स पे जाकर के बैटरी चुराते थे और क्वालिस में लाद करके ये धनघटा में बेचते थे, जहाँ से वो व्यापारी कानपुर के किसी व्यापारी को बेचता था। चेकिंग के दौरान हमारे एसओ और हमारी पूरी टीम जब चेकिंग कर रही थी, सूचना मिली किस प्रकार का कार्य करते हैं और करने की फिर तैयारी करके जा रहे हैं, तो जंगल बिटेन पे इनको रोकने की कोशिश की, जहां इन लोगों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने भी इनको किसी तरीके से फायर से बचते हुए फायरिंग की और उनको गिरफ्तार करा। इनकी गिरफ्तारी से बैटरीज बरामद हुई हैं, बैटरी के अतिरिक्त इसमें तमंचे मिले हैं और 5 कारतूस मिली हैं। 2 लोग मौके का फ़ायदा उठा के भाग गए हैं, बाकी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, टीमें गठित करके भेजी जाएंगी और आगे भी इस पर कार्रवाई हम करते रहेंगे। कब से संलिप्त थे इस धंधे में? ये इनका तो कहना है कि हम लोग कर रहे हैं लगभग 6 माह से, लेकिन जो इनका मेन है जिसका भी नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वो बाकी चीज़ें बताएगा। ये अंतर जनपदीय गिरोह है, इन्होंने कई स्थानों पर चोरियाँ की हैं, संत कबीर नगर में की हैं और हमारे यहाँ भी की हैं, इसका खुलासा हम बहुत जल्दी करेंगे। अब इनके अनुसार हम इनका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, रिकॉर्ड मिलने के बाद ही हम उसको। बैटरी के अलावा और भी किसी चोरी में संलग्न? निश्चित रूप से अन्य चोरी में भी हैं जो हम इस पर हम काम कर रहे हैं। ये बैटरीज प्राप्त हो चुकी हैं, कुछ स्क्रैप भी मिली है दुकान पे, तो ये बताना इनका ये है कि हमने ले जाकर कानपुर बेचा है, हमारी टीम वहाँ भी जाएगी और कार्रवाई करेगी।